समाजकंटक ज्यांना आपण म्हणू ते काही वातावरण बिघडण्याचा प्रयत्न करत होते आणि त्याच्यामुळे काही नुकसानही झालेलं आहे. राम मंदिरमध्ये कुठल्याही प्रकारचा कसलाही नुकसान झालेला नाही आहे. विनंती, हे जे घटना घडलेली आहे त्या अनुषंगाने आता पोलीस डिपार्टमेंटनी एक कोम्बिंग ऑपरेशन करून जे जे हे ड्रग्सच्या कारोबारमध्ये आहे, जे ड्रग्सचा उपयोग करत आहे त्यांच्यावर कडक कारवाई करा. त्यासाठी आज रामनवमीचा उत्सव आहे आणि या शहराची एक परंपरा आहे. आपण सर्व उत्सव त्यौहार जे आहे ते संगनमताने आपण सगळे लोक सेलिब्रेट करत आहे. काही अनुचित प्रकार घडलेला आहे. किराळपुराच्या समोर जे एक जुनी राम मंदिर इथे आहे, काही लोक जे समाजकंटक ज्यांना आपण म्हणू ते काही वातावरण बिघडण्याचा प्रयत्न करत होते आणि त्याच्यामुळे काही नुकसानही झालेलं आहे. पण चांगली गोष्ट हे आहे की राम मंदिर जे आहे, राम मंदिरमध्ये कुठल्याही प्रकारचा कसलाही नुकसान झालेला नाही आहे. राम मंदिरमध्ये कोणी आलेला नाही आहे. राम मंदिरमध्ये राहणारे, तिथे काम करणारे जे जे आहे पुजारी सहित ते सगळं सुरक्षित आहे. कुणालाही काही झालेला नाही आहे. आणि मीही पोलीस कमिशनरांना आणि पोलीस डिपार्टमेंटना विनंती करणार आहे की जे समाजकंटक होते आणि दुर्दैवाने मला हे सांगावं लागतं की त्याच्यामध्ये जास्तीच जे युवा होते ते बटन प्लेयर, ते ज्यांना नशा करणारे, नशेखोर जे होते त्यांना हे समजत नाही होता की आपण दगड कुणाला मारत आहे, आपण कोणत्या गाडीवर आपण पत्थर मारत आहे. तर माझी विनंती, हे जे घटना घडलेली आहे त्या अनुषंगाने आता पोलीस डिपार्टमेंटनी एक कोम्बिंग ऑपरेशन करून जे जे हे ड्रग्सच्या कारोबारमध्ये आहे, जे ड्रग्सचा उपयोग करत आहे त्यांच्यावर कडक कारवाई करा. आणि याच्यामध्येही जे दोषी असतील तर नक्की आपण सीसीटीव्ही बघा आणि जे दोषी असतील त्यांच्यावर नक्की कारवाई करा. हे सगळ्या लोकांची मागणी आहे. भाइयों, मैं किराड़पुर है के राम मंदिर के अंदर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं. हाँ, बाहर कुछ गड़बड़ी हो रही है लेकिन मंदिर के अंदर मैं खुद खड़ा हुआ हूँ. इसीलिए अगर कोई लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं तो बिल्कुल उन बातों के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा. मैं जाती तौर के ऊपर यहाँ पर राम मंदिर के अंदर खड़ा हुआ हूँ. आप देख सकते हैं बाहर कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि मेहरबानी करके शांति बनाए रखिएगा, शांति बनाए रखिएगा. बस इतनी मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं. मैं राम मंदिर के अंदर खड़ा हूं. आप देख सकते हैं कि ये राम मंदिर है किराड़पुरे का, जहां पर मैं खुद आया हूं और मैंने यहां पर देखा हूं कि यहां पर किसी भी तरह की कोई गलत हरकत यहां पर इस मंदिर के अंदर नहीं होगी. देखिये, किराड़पुरे के राम मंदिर के हम यहां पर हम बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ये राम मंदिर के ही सब यहां पर रहने वाले लोग हैं. यहाँ पे ना मंदिर को कुछ हुआ है, ना यहाँ पे मंदिर में रहने वाले जितने भी कर्मचारी है, जितनी भी माएं और बहनें यहाँ पर रहती है, मैंने उनसे जाती तौर के ऊपर जाके ये कहा कि आपको किसी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी करके. तो अगर कोई गलत बातें, कोई गलत अफवाहें फैल रही है तो आप देख सकते हैं कि आज रामनवमी के दिन राम मंदिर जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है. किसी भी तरह से यहां पर कुछ नहीं हुआ है. हां, गड़बड़ हुई है लेकिन मंदिर के बाहर हुई है, रास्तों के ऊपर हुई है, लेकिन मंदिर के अंदर कुछ नहीं हुआ है. तो अगर कुछ बातें ऐसी फैल रही है तो आप उसके ऊपर विश्वास मत करिए. ये पूरे जितने भी लड़के हैं ये सब यहीं के कर्मचारी हैं, यहीं पे रहते हैं. आप देख सकते हैं, मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहूंगा, सभी जाति धर्म और समाज के लोगों से ये करना चाहूंगा कि आज रामनवमी का दिन है और यकीनन इसको मनाना चाहिए. रमजान है, रमजान का महीना भी हम सब साथ में मिलकर मनाएंगे. यकीनन कुछ लोगों ने गलत हरकतें की है और ज्यादा मानों से ये अपील करना चाहता हूं कि रमजान का महीना है, इबादत का महीना है, हम लोग अच्छे तरीके से मिलकर मनाएं. और मैं पुलिस से ये कहना चाहूंगा कि जो भी दोषी है उनके साथ सख्ती से निपटा जाए. किसी भी तरह से हम कोई समझौता नहीं करेंगे क्योंकि हमारे शहर से बड़ा कोई भी नहीं है. उत्सव हम सबको साथ में मिलकर मनाना है, त्यौहार हम सबको साथ में मिलकर मनाना है, लेकिन चंद नौजवानों की वजह से अगर हमारे शहर, हमारे जिले की हालत खराब होती है तो हम किसी भी तरह से उन्हें छोड़ेंगे नहीं, उन्हें बख्शेंगे नहीं. और मैं यही बात पुलिस को भी कहना चाहूंगा. तो सभी लोग जो है वो बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा. यही किराड़पुरे की राम मंदिर है जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर राम मंदिर पूरी तरीके से सुरक्षित है. यहां के कर्मचारियों के साथ किसी तरह का कोई ऐसी हरकत नहीं हुई है. बहुत बहुत धन्यवाद. देखिए, ये शहर, ये जिला जो है ये यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है
वो शांति प्रिय है। हम सभी लोगों की एक परंपरा रही है कि हम सब उत्सव साथ में मिलकर मनाते हैं। मैं आज रामनवमी का दिन है हमारे हिंदू भाइयों के लिए बहुत शुभ दिन है। मैं तमाम हिंदू भाइयों को रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ मुसलमानों से भी अपील करना चाहता हूं कि रमजान जो है वो एक मुबारक महीना होता है, इसमें इबादत करिए। चंद लड़के जिन्होंने ये हरकतें की है, यकीनन उनके ऊपर कार्रवाई होगी।